इस साल का टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। उस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर तरुण बजाज और नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। सर, टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड क्लास एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि सरकार इस बार कुछ ना कुछ उसकी झोली में जरूर डालेगी, लेकिन वो निराशा उसके हाथ लगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा, लेकिन हम कोविड के दौरान से गुजर रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से इकॉनमी संभली नहीं है। हम ग्रोथ के पाथ पे हैं, लेकिन हमें संभल के चलना है। पिछले साल टैक्स रेवेन्यूज़ काफ़ी कम थे, जैसे कि आपको जानकारी होगी, और खर्चे बहुत बढ़ गए थे। हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% से ज़्यादा चला गया था। इस बार भी 6.9% है, अगले साल के लिए भी 6.4% है। तो इस समय जो ज़रूरत थी वो ये है कि हमें अपने खर्चे कम नहीं करने हैं, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हमें जो सेक्टर्स या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको की मदद की ज़रूरत है, उनको मदद हमें देने की ज़रूरत है। इसलिए आवश्यक था कि अभी हम इकॉनमी को ठीक से चलाएं और अपना रेवेन्यू ठीक से हम कलेक्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होता है वो होता है कॉरपोरेट सेक्टर से या पर्सनल इनकम टैक्स से, क्योंकि अब GST तो फेडरल स्ट्रक्चर में चला गया है, वहाँ पर गुंजाइश बजट में कम होती है। कॉरपोरेट सेक्टर में हमने ऑलरेडी काफ़ी रिलीफ दे दिया है, हम एक नई व्यवस्था लेके आए हैं जिसके तहत 22% टैक्स उनको दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका अगर हम सभी कंपनीज़ का देखें तो लगभग वो हमें 22% टैक्स दे रही हैं 19-20 में, जबकि 18-19 में ये 27% से ज़्यादा था। और जो कंपनी 500 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाती हैं उनका टैक्स तो लगभग 20% के करीब है। तो जहाँ तक कि कॉरपोरेट सेक्टर की बात है, वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी रिलीफ दे दिया है और कंपनीज हमें दे रही हैं। जहाँ तक इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बाकी सेक्टर्स की बात है, वहाँ पर हमने एक नया आयाम दिया पिछले वर्ष, जिसमें हमने कहा कि अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेते हो तो आपका टैक्स कम है। उसको इस साल हम एनालाइज करेंगे, उसमें टैक्स की कमी की गई है उनके लिए जो कि एग्जेम्पशंस नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम के द्वारा ये भी बताना चाहूँगा कि हमने जब 19-20 की टैक्स की रिटर्न्स का थोड़ा एनालिसिस किया तो हमने पाया कि 6.3 करोड़ टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई, जिसमें 75% लोगों ने 5 लाख या उससे कम की इनकम दिखाई और उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पीपल हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि इस 5 लाख को अगर 5.5 लाख करें या 6 लाख करें तो यही लोग हैं जिनकी इनकम 5.5-6 जाएगी, उनको ऑलरेडी वो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो एज सच कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस वर्ष हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज करके अगले वर्ष जब आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं मिडिल क्लास के लिए और हायर क्लास के लिए। लेकिन इस साल हमारा मकसद ये रहेगा कि हम टैक्स का बेस बढ़ाएं, ज़्यादा लोग टैक्स दें। अगर ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तभी टैक्स का रिलीफ दिया जा सकता है। अभी हमें देखने को ये मिला है कि 92% लोग तो 10 लाख से कम की इनकम दिखाते हैं और उसमें हमें टैक्स बहुत कम मिलता है। लगभग 12 लाख करोड़ के टैक्स में से 8 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स तो टैक्स एग्जेम्पशन में, मतलब जिस पे वो कोई टैक्स नहीं मिलता हमें, वो चला जाता है। और 14,000 करोड़ का जो TDS इन्होंने उस पर दिया उसको सारा रिफंड में गया। तो जब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा हमारे को ये रिलीफ देने में थोड़ी मुश्किल रहेगी, समस्या रहेगी, लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में आपकी इस इच्छा को भी पूरी करेंगे। थैंक यू सर। जैसे सर कह रहे हैं टैक्स बेस बढ़ाना है, तो टैक्स बेस तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इस बार आप या कहें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा है, 35% इस रखा है। तो सर आपको लग रहा है कि जो ग्रोथ और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहे PM मोदी के माइंड में हो, चाहे पॉलिसी मेकर तरुण सर के माइंड में हो, वो पॉसिबल हो पाएगा? Exactly. I think that is exactly what the government is attempting to do, because what we have right now is a situation that due to the continued cloud of pandemic hanging over the economy, both in terms of the consumers, the private consumption is restrained. And also while the private sector is ticking many boxes for capital expenditure revival,
profitability, very low real lending rates, and some specific sectors top companies are having a high capacity utilization already, which means they're ready to invest. But at the same time, they also want demand visibility. And demand visibility is held back by the pandemic uncertainty. So in this sense, what the government is trying to do is to continue to keep capital investment happening through public investments. And also by supporting the state governments to undertake their own capital investments. I don't know if you're aware that in the current financial year, data up to November shows us that states have spent 67% more on capital expenditure than the corresponding period in the previous financial year. So what the state governments and the federal government are doing is to crowd in private investment, which should then set in motion a virtuous circle of employment generation, income growth, and therefore, in a sense, this capital expenditure thrust and emphasis on the part of the government is in a way supporting the middle class by creating more employment opportunities and income generation. Sir, secondly, जो सर बात कह रहे हैं कि employment generation की, इसके साथ साथ आज आपने एक point और touch किया जिसको अभी तक सरकार avoid कर रही थी या एक legitimate way में बात नहीं कर रही थी, वो था crypto कि 30% और we know that sir आप already tax collect कर रहे थे उसमें, लेकिन जो हमारे टैक्स बेस रेट पे था वो कलेक्ट कर रहे थे, अब आपने 30% वो कर दिया प्लस होपफुली सर उस पर GST भी लगेगा, तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास टैक्स कलेक्शन होगा उस पर? नहीं, 60% तो नहीं होगा, बेसिकली इनकम टैक्स और वो तो ट्रांजैक्शन पे, वो एक GST एक अलग आइटम पे लगता है जिसमें कि कोई सर्विस प्रोवाइड की हो किसी ने, तो अगर हम अभी इनकम टैक्स की बात करें तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक सर्टेनिटी दी है कि किस तरह से टैक्सेशन होगा, क्योंकि आज के दिन शायद टैक्स पेयर को ये पता नहीं था, वो भी कंफ्यूज था और वो भी चांस ले रहा था, वो किसी तरह से कोई इसको कैपिटल एसेट में डाल रहा था, कोई इसको बिजनेस इनकम में डाल रहा था, कोई इसको अदर सोर्सेज में डाल रहा था, तो हमने एक सर्टेनिटी दी है कि इसको हम टैक्सेशन कैसे करेंगे, इस पर 30% टैक्स लगेगा और एप्लीकेबल सरचार्ज जो उसकी इनकम के हिसाब से होगा, अगर होगा तो वो सरचार्ज उसको लगेगा। सो बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लीगल है, इलीगल है, इसको सरकार ने मान्यता दी है या नहीं दी है। टैक्स विभाग का ये काम है कि अगर आपने किसी भी चीज़ से कोई पैसे कमाए हैं तो उसका आपको टैक्स सरकार को देना चाहिए, और उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकार से आपको वो टैक्स दें। तो सर, ये जो टैक्स कलेक्शन होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? ऐसा है कि ये चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा और ज़ोर से कहना चाहूँगा कि ये टैक्सेबल है। आपने अगर इसमें पैसे कमाए हैं तो आज के दिन भी टैक्सेबल है, राइट। लेकिन हम आपको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थी, अखबारों में भी आ रहा था, वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं है कि कैसे करें, तो हमने एक आपको एक रजीम दिया है, इस रजीम के तहत आप टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टैक्स आज तक माफ़ है और 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा, अभी भी ये टैक्स लगेगा, पिछले सालों में भी कुछ किया है तो वो भी टैक्स लगेगा, अगर असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आता है कि इस पे टैक्स नहीं दिया गया है तो जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई। लेकिन सर, जो पीछे का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे तो वो 30% से कैलकुलेशन करेंगे या जो मेरी टैक्स स्लैब है उस पर कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह इसीलिए कहा है ना कि लोग अलग अलग उसको रूप में देंगे, तो अभी तो 30% हमने कर दिया, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो हो तब भी आपको 30% टैक्स मिलेगा, लेकिन वो आपके ऊपर क्या टैक्स होगा, वो आप कैपिटल गेन दिखाएंगे या बिजनेस इनकम दिखाएंगे, आपकी किस तरह की ट्रांजैक्शंस है उस पर डिपेंड करेगा, तो वो जब इनकम टैक्स का असेसमेंट होगा तो उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि वो आपका किस तरह से टैक्स होना चाहिए, आपके कंसल्टेंट्स भी बताएंगे, लेकिन हम आपको एक धारा दे रहे हैं कि इस हिसाब से टैक्स देना चाहिए। सर, एक इस साल जो हम एक और चीज़ बड़ी देख रहे हैं वो है फेड टैपरिंग। सर, व्हाट डू यू थिंक सर, हाउ इट इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी? सो इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक सर्वे, वी हैव अ बॉक्स आइटम देयर शोइंग व्हाट वर द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑफ इंडिया व्हेन द लास्ट टाइम द फेडरल रिजर्व रिड्यूस्ड इट्स बॉन्ड परचेजेस, एंड इफ यू कंपेयर दैट टू हाउ वी आर टुडे, we are not at all vulnerable to the market volatility that the Fed tapering might cause.
whether it is the external deficit or the rupee or the foreign exchange reserves or the import cover, we are far better off than we were, and also the inflation rate, we are far better off than we were in 2013. So therefore, I think the economy is in a good position to withstand whatever volatility and impact that the tapering of bond purchases by the Federal Reserve might cause. So that is not the big risk factor for the Indian economy in the coming financial year. So secondly, आपने बजट में एक नई स्कीम कहें या एक नई सहूलियत इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स को दी है कि आप पिछले दो साल का यदि आपसे गलती हो गई है या कुछ मिस हो गया है तो आप उसको वापस भर सकते हैं. इसके पीछे इंटेंट क्या है सर, क्योंकि एमनिस्टी स्कीम ऑलरेडी आप एक लेकर आए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उसको आया था, तो इस स्कीम को लाने का रीजंस? मैं आपसे कहूँगा कि इसको एमनेस्टी स्कीम हम ना माने, क्योंकि ये अब प्रावधान लॉ में लेके अगर पास हो जाता है तो आ जाएगा, तो ये हमेशा के लिए रहेगा. ये बेसिकली आज के दिन क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी काफ़ी ट्रांजैक्शंस को देख रहा है और आपके सामने रख रहा है कि हमें ये आपकी ट्रांजैक्शंस मालूम है. हो सकता है कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस बाद में पता लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो भी आपके सामने रखेंगे. और कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो मेरे को रिटर्न फाइल करने में. तो आज के दिन क्या प्रावधान है कि अगर वो समय निकल जाता है जो आपका लास्ट डे ऑफ रिटर्न फाइलिंग है, जैसे अगर 31 जुलाई आपका है तो 31 दिसंबर तक आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर वो आपका समय निकल जाता है फिर आपको इनकम टैक्स का महकमा नोटिस देगा, आप उसका जवाब देंगे, एडजुडिकेशन होगा, पेनल्टी लगेगी, तब आप टैक्स देंगे. इसमें हम कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, या हो सकता है मैं विदेश चला गया एक साल, मैंने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया, मैं अपना रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो हम एक मौका दे रहे हैं. टैक्स पेयर पे विश्वास की बात है, आप अपना टैक्स जो पीछे भूल गए थे देना, किसी आइटम पे भूल गए थे या पूरा देना भूल गए थे, आप दे सकते हैं. आपको थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो भी इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो मैंने टाइमली टैक्स दिया, किसी और ने टाइमली टैक्स नहीं दिया तो उसको थोड़ी सी हम पेनल्टी लगा रहे हैं, नहीं तो सबका ये होगा कि मैं भी बाद में ही दूँ. तो ये हम टैक्स पेयर पे विश्वास करते हुए उसको सहूलियत देते हुए लिटिगेशन को कम करने के लिए ये एक प्रावधान लेके. सर एक चीज़ और है जो बार बार डिस्कस होती है कि हमारी जो इंडियन मार्केट है कैपिटल एंड कमोडिटी मार्केट, वो सर वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, CTT और एक्सचेंजेस चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, तो उस पर सर कोई विचार इस बजट में अनाउंसमेंट में तो नहीं आया, लेकिन कोई उस पर सर कोई डिस्कशन की इस पर कुछ सहूलियत या कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सके? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ. okay. हमने आप जिस अगर बात कर रहे हैं तो जो कैपिटल मार्केट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कैपिटल गेंस का विषय आता है, वही मैक्सिमम टैक्स होता है. आज के दिन भारत में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है और अनलिस्टेड पर यह 20% है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट है. अगर आप बाकी देशों की बात करें तो कहीं पर यह एप्लीकेबल रेट है और इस रेट से कहीं ज़्यादा है. इनफैक्ट इस बार हमें ये भी सजेशन आया था कि आपने एक तरफ तो सैलरीड को आप 30% टैक्स करते हैं अगर उसकी इनकम एक लेवल से ज़्यादा हो, और यहाँ पर अगर उसकी इनकम 5 करोड़ भी हो तब भी आप उसको 10% टैक्स करते हैं. और केवल ज़्यादातर जो कैपिटल मार्केट में पैसे कमा रहे हैं वो रिच पीपल हैं. हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स किन्होंने कमाया, तो उन लोगों ने कमाया जिनकी इनकम 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा है. तो इनफैक्ट इट इज़ दी अदर वे अराउंड कि इस पर टैक्स कम है और एक ये सहूलियत अवेलेबल है. वो इसलिए अवेलेबल है, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स को हम थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैपिटल ला के देती हैं प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो इकोनॉमी और ग्रोथ को बढ़ावा देती है, तो इसलिए स्पेशल सहूलियत दे रखी है. एक चीज़ सर आपने बहुत अच्छी करी जो स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो आपने सरचार्ज 15%, तो सर और इस तरह की कौन कौन सी एनोमलीज हैं, चाहे वो इन्विट्स में हो, रेट्स में हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो या डेट म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ों में भी सर कई सारी ऐसी एनोमलीज हैं जो इस बार रिकमेंडेशन थी लेकिन सरकार ने उस पर हमने इसमें काफ़ी कुछ किया. जैसे आपने देखा कि हमने स्टार्टअप्स के मतलब जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उस पर मैक्सिमम सरचार्ज का लेवल 15% कर दिया, बाकी कैपिटल एसेट्स में भी 15% कर दिया. इसी तरह से हमने कहा कि अगर आप कोई कंसोर्शियम बनाते हैं कंपनीज़ का और बिड करते हैं तो आप पे अभी
एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज लगता है जो कि मैक्सिमम 37% लगता है, उसको भी हमने 15% पे बांध दिया। इसी तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं, जो किसान है या जो रूरल है वो एक कोऑपरेटिव बना के बिज़नेस करता है और एक इधर से कंपनी बना के बिज़नेस करती है, तो कंपनी को सरचार्ज कम लगता है, कोऑपरेटिव को ज़्यादा लगता था, तो उसको भी हमने समन्वय लेके आए हैं, उसको भी बराबर किया है। हो सकता है कि अभी भी कुछ दो तीन चीज़ों में हो, लेकिन उसके भी कारण हैं। जैसे लिस्टेड शेयर्स में प्राइस डिस्कवरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होती है, अनलिस्टेड शेयर्स में एक ये भी इशू है कि वो ट्रांसपेरेंटली होती है पर कुछ केसेस में नहीं भी होती है। हमारे नोटिस में ये भी आया है कि अगर मेरे पास लॉस आता है तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ बिल्ड करके सेट ऑफ कर लेता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमने डिफरेंस टैक्सेशन में रखा। सर वन पॉइंट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट। सर लास्ट ईयर 2021 वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज़ बैंड फ्यूचर ट्रेडिंग इन द कमोडिटीज। वन साइड वी आर सेइंग दैट द farmers should know about the price discovery and the exchange gives the price discovery mechanism, and on the other side government is banning the future commodities which is essential commodities. So if you, I understand your question, so if you look at anything, there is a trend line and there are some fluctuations around the trend in any market phenomena. Even in the policy phenomena you must think of it this way. The trend is towards making it more and more possible for farmers, traders, others to hedge themselves. But once in a while, due to some short-term exigencies, there will be some minor restrictions here and there. But by and large, the trend is towards making more instruments available to the farmers to hedge themselves. So yes, I mean, there are some occasional reversals of this, but they are mostly temporary. But the overall policy direction is in terms of providing farmers with more market opportunities to hedge themselves. And that trend is continuing. Thanks for giving time, sir. Thank you, sir. ये थे हमारे साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी और नए CEO जिन्होंने बजट पे बात करी और बताया कि अगला साल कैसा रहेगा, इस साल किन किन चीज़ों पे काम किया जाएगा।